क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं कंटिन्यूटी में fx जो कि वर्कशीट में आपके क्वेश्चन है कि fx = 1 - x / 1 + x व्हेन x नॉट इक्वल टू -1 एंड 1 व्हेन x = -1 देन वैल्यू ऑफ f(x) और ये किस फॉर्म में डेटा सीरीज और फॉर्म में और क्या फॉर्म दे रखी है हमको फंक्शन ये दे रखा है और पार्ट क्या दे रखे हैं इसके हमारे कि कंटीन्यूअस है एट x = -1 पे कंटीन्यूअस है एट x = 0 पे डिसकंटीन्यूअस है एट x = हाफ पे एंड ऑल ऑफ दिस ये कंडीशन है हमारे पास तो इसके अकॉर्डिंग जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं तो ये क्या टर्म बन रही है हमारे पास यहां पर तो हमसे क्या आ गया -1 और इस पे हम चेक कर रहे हैं अगर f(2x) को हम सॉल्व करते हैं f(2x) को जो हम सॉल्व कर रहे हैं इसके लिए फंक्शन चेक कर रहे हैं ये हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा 1 माइनस ये बन जाएगा रेड इंटीजर ऑफ x और ये टर्म बन जाएगी हमारे पास 1 प्लस ग्रेटर इंटीजर ऑफ 2x ये टर्म तो किसके लिए जा रही है ये टर्म जा रही है x लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे और लेस देन -1 की कंडीशन है तो वो कर किसके लिए चल जाएगी वो चल जाएगी 1 के लिए जब x की वैल्यू क्या है लेस देन हम क्या ले रहे हैं 0 ले रहे हैं कैसे कंडीशन बना रहे हैं अब इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं इस फंक्शन को कैसे जैसे एक तो बन गया 1 जब x की वैल्यू क्या है लेस देन 0 है ये कंडीशन आ गई और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है ग्रेटर देन 0 से तो बहुत सारी वैल्यूज आ रही है तो अब यहां देख रहे हैं हम कि x की वैल्यू 0 से तो अबव है लेकिन कहां तक लेके जाएंगे 0 से अबव तो चले जाएगी लेकिन ये फॉर्म क्या है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन फॉर्म में है तो 0 प्लस हम ऐड कर रहे हैं लेकिन कहां तक लेकिन यहां पर क्या है 2 भी है तो इस 2 को अगर हटाते हैं तो कहां पे चल जाएगा हमारा टर्म 1/2 तक चल जाएगा क्योंकि यहां 2x है तो अपन सॉल्व करते हैं तो 2x जब x की वैल्यू 1 पुट करी तो क्या बन जाएगा x की वैल्यू 1/2 पुट करी तो क्या टर्म बन रही है 1 बन जाएगी अब हम टर्म देख रहे हैं 0 से तो अबव और हाफ से कम तो यहां 0 से जब हम अबव ले रहे हैं तो ये टर्म क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा और यहां पर भी 0 प्लस समथिंग ले रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको पता है कि 0.99 अब भी हम ले रहे हैं तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या है 0 आएगी तो इसकी टर्म क्या आ गई आंसर 0 और यहां तो क्या 0 फर्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं 1 - 0 / 1 + 0 इसके अकॉर्डिंग टर्म तो ये बनी नेक्स्ट हम टर्म दे रहे हैं इसकी क्या कि x की वैल्यू हाफ से तो ज्यादा है और 1 से कम है हाफ से तो ज्यादा है और 1 से कम है तो इसमें कंडीशन क्या बन रही है हमारे पास हाफ से ज्यादा या अगर हम देखते हैं हाफ प्लस h तो ये टर्म क्या बन जाएगी 1 या अगर हम इसके लिए सॉल्व करते हैं ट्वाइस हाफ प्लस h और ये 2x बन जाएगा इस फॉर्म में ये कैंसिल आउट हो गया 1 प्लस 2x ये फॉर्म क्या है 1 प्लस 2x इसके अकॉर्डिंग क्या ये 1 प्लस 2x तो 1 प्लस 2x हम कर रहे हैं तो 1 में कुछ ना कुछ ऐड करते हैं ग्रेटर इंटीजर टर्म में तो क्या बचेगा 1 बन जाएगा तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0 और नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 2 बन जाएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा नेक्स्ट इसका हम लेते हैं 1 से तो अबव x की वैल्यू 1 से तो अबव और 3/2 से लेस देन 3/2 टर्म कैसे ले रहे हैं कि जैसे 1 से तो अपन ले लिया 1 से अबव जैसे लेके चल रहे हैं 1 से इसमें अपन लेके चलते हैं 2 प्लस 2x हो जाएगा और किस फॉर्म में ग्रेटेस्ट इंटीजर फॉर्म में तो 2 में आप कुछ ऐड कर रहे हो 2.05 या 2.9 भी आप ले रहे हैं तो उसका आंसर कितना आएगा 2 आएगा तो यहाँ जब हम सॉल्व कर रहे हैं कितना हो जाएगा 1 - 2/1 + 2 तो इसका आंसर कितना आ रहा है माइनस का 1/3 इसे कितना आ गया माइनस का 1/3 इस टाइप से ग्रेटेस्ट इंटीजर फॉर्म को हमने इस इंटरवल में ओपन किया और इसका सॉल्व करके कितना बन रहा है हम लिख देते हैं इसको 1/1 कितना आ गया 1 आ गया तो x की वैल्यू 0 से तो लेस देन में कितना आ रहा है 1 आ रहा है
जीरो या जीरो से अबाव, बट आपसे लेस देन पे कितना आ रहा है, वन आ रहा है। x की वैल्यू हाफ से अबाव बट वन से लेस देन पे कितना हो गया, जीरो हो गया। और वन या वन से अबाव बट थ्री बाई टू से लेस देन कितना आ रही टर्म, माइनस का वन बाय थ्री आ गया। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो एट एक्स इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन पे कंटिन्यूस है या नहीं है, तो अब देख रहे हैं x माइनस वन का आ रहा है, x लेस देन जीरो, तो x लेस देन जीरो पे तो सारी कंडीशन कंटिन्यूस हो रही है। या फिर हम ऐसे देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गए, जीरो, तो जीरो पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, कि लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो पे क्या आ रहा है, वन आ रहा है, और डायरेक्ट वैल्यू पे कितना आ रहा है, वन आ रहा है, तो जीरो पे कंटिन्यूस है। और क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, कि हाफ से लेस देन और हाफ से अबव, तो ये डिस्कंटिन्यूस हो गया, कि लेस देन लिमिट एट हाफ कितना आ रहा है, वन आ रहा है, और राइट हैंड लिमिट ऑफ हाफ कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो ये डिस्कंटिन्यूस हो गया। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया कि फंक्शन क्या हो गया, डिस्कंटिन्यूस हो गया एट x इक्वल टू 1 बाय 2 पे। और 1 से अबव, 1 से लेस देन पे कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, और 1 से अबव मतलब राइट हैंड लिमिट में, तो एट x इक्वल टू 1 पे भी क्या हो गया, ये डिस्कंटिन्यूस हो गया। इस पे भी क्या हो गया, डिस्कंटिन्यूस हो गया, कि 1 पे क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट में तो कितना हो गया, जीरो हो गया, और राइट हैंड लिमिट में कितना हो गया, माइनस का 1 बाय 3, क्योंकि ये 1 पे भी डिस्कंटिन्यूस हो गया और इस पे डिस्कंटिन्यूस हो गया 1 बाय 2 पे। 0 पे हमने देखा कंटिन्यूस आ रहा है, और इसमें था ऑप्शन के अकॉर्डिंग x = -1, तो -1 हम चेक कर रहे हैं x less than 0, -1 कहां लाया कर रहा है, यहां पर, तो -1 क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 पे कंटिन्यूस हो जाएगा, तो ये पार्ट भी क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। तो तीनों पॉइंट इसमें कंसिडर हो गए, ए बी 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 और सी बी, तीनों आ रहे हैं, तो डी ऑप्शन आ गया हमारे पास। इसमें क्या है, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, दी ए भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन हमारा मेन जो टिक हुआ कौन सा होगा, ऑल ऑफ दिस। जब फंक्शन क्या निकालेंगे, एफ टू एक्स, पर टू एक्स क्या है, ये यानी फॉर्म क्या है, ग्रेटर इंटीजर फॉर्म, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एफ एक्स is equal to x minus e to the power x plus cos 2x divided by x square when x not equal to 0 is continuous at x equal to 0। ये condition किसी लिए रखी है, not equal to 0 पे, और function क्या बता रखा है, continuous है at x equal to 0 पे। तब इन चारों में से कौन सी condition satisfy कर रही है, single answer होगा, तो क्या है, a option क्या है, f 0 की value क्या है, 5 by 2, ये हमारे पास greatest integer function है। ये हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ f0 की वैल्यू क्या है, -2 है, और ये हमारे पास क्या है, ये कर्ली ब्रैकेट में रखा है, ये है फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल पार्ट, ये हमारे पास हो गया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जो कि कितना तरीका है, माइनस का 0.5, और ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इनटू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इक्वल टू कितना रहेगा, माइनस का 1.5। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, उसके लिए हमें x = 0 पे बता रखा है कंटीन्यूअस है, तो 0 पे लिमिट फाइंड आउट करते हैं कि f 0 का कितनी दी है। तो f 0 कैसे कर रहे हैं, हम लिमिट x टेंड्स टू 0, जो कि फंक्शन हमारे पास है x e की माइनस e की पावर x प्लस cos 2x होल डिवाइड बाय x स्क्वायर, ये कंडीशन है। अब अगर हम 0 पुट कर रहे हैं इसमें, तो ये 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, e की पावर 0 कितना हो गया, 1 हो गया, लेकिन किसमें, माइनस में, और cos 0 कितना होता है, 1, तो 1 minus 1 0, numerator में तो क्या आ गया, 0 आ गया, और denominator में क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये 0 by 0 form बन गई, indeterminate form हो गई। तो further simplify करें, या तो formula लगाएं, या फिर L hospital rule use करें, तो L hospital जब use कर रहे हैं, L hospital rule, क्या term बन रही है, limit x tends to 0, ये तो क्या 1, e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e की पावर x ही होता है, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x, और 2x अज्यूम कर रखा था हमने x, तो 2x कितना हो गया, 2 होल डिवाइडेड बाय, ये टर्म कितनी हुई, 2x, x स्क्वायर कितना हो गया, 2x। अब इसको हम फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको सेपरेट कर दें, क्योंकि हमको लिमिट्स के फॉर्म में पता है, तो कैसे कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये बन जाएगा e की पावर x माइनस 1 अपॉन 2x, ये कर दिया, फिर माइनस ऑफ 2 इंटू साइन
2x डिवाइड बाय 2x, ये टर्म हो गई। और इस पूरे पे हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो आपको एक फॉर्मूला तो क्या पता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये कितना होता है 1 होता है। और एक फॉर्मूला कौन सा पता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x / x, ये किस इक्विवेलेंट होता है, ये भी 1 इक्विवेलेंट होता है। इसलिए हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट करके फॉर्मूले में चेंज कर लिया। तो e की पावर x माइनस 1 अपॉन x ये तो 1 हो गया, तो यहां से क्या बच रहा है, माइनस का 1/2 और sin 2x upon 2x ये कितना बच गया, 1 बच गया। तो यहां से कितना बचा, -2। तो इसको जब सिंपलीफाई कर रहे हैं तो कितना आ गया, माइनस का 5/2। तो f 0 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, माइनस का 5/2। तो यहां पर फंक्शन क्या है कि x इक्वल टू 0 पे कंटीन्यूअस है, तो f 0 की वैल्यू क्या है, माइनस का 5/2। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो f 0 की वैल्यू किसका आ रही हमारी, माइनस 5/2, जबकि f 0 यहां कितना दे रखा है, 5/2। तो ऑप्शन ए तो हमारा गलत हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, f 0 जो कि इसमें है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फॉर्म में है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -2। तो चेक कर लेते हैं, तो -5/2 को हम लिख सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में लिखे हैं तो माइनस का 2.5। अब f 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब f 0 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2.5। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर से जब ये वैल्यू बाहर आएगी तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, माइनस का 3। ये टर्म बन रही है माइनस 2.5, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड हम देख रहे हैं कितना आ गया, माइनस का 3। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, इसमें क्या देखा है, माइनस का 2। अब ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट को आप लिख लीजिए पहले, तो भी फ्रैक्शनल पार्ट ये कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, तो इसको कैसे लिखते हैं हम, x माइनस ग्रेटर इंटीजर ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट कैसे ओपन होता है, x माइनस ग्रेटर इंटीजर ऑफ x, इसकी वैल्यू आप कुछ भी पुट करें, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 से 1 के बीच में ही आएगी। जैसे कि अगर मैं x की वैल्यू, अगर इंटीजर वैल्यू पुट कर रहे हो तो क्या आ जाएगी, इंटीजर ही आ जाएगी। जैसे अगर मैं 1 पुट कर रहा हूं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है 1, तो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि ये 1 तो है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये ओपन हो गया है, कितना बचेगा 1, 0 हो गया। अगर माइनस 1 पुट करता हूं तो भी देखिए कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी होगी, -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1, तो -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर आएगा, क्या आएगा, -1, और ये बाहर ऑलरेडी माइनस है तो क्या आ जाएगा, -1 प्लस 1, ये भी क्या आ गया, 0। अगर आप इंटीजर वैल्यू पुट करोगे तो आंसर क्या देगा, 0 देगा। और अगर आप डेसिमल वैल्यू पुट करोगे, फॉर एग्जांपल 1.5 आपने पुट किया, तो क्या आंसर देगा, 1.5 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमने पुट किया 1.5, तो क्या है, ये तो हमने 1.5 लिख दिया, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.5 जब बाहर आएगा तो बचेगा क्या, 1 बचेगा, और बाहर साइन क्या है, माइनस का, तो 1.5 माइनस का 1 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 0.5। तो फ्रैक्शन पार्ट के अंदर आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, इसको किस टाइप से डिनोट किया जा रहा है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो इसमें आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, डोमेन क्या आ जाएगा, एनी रियल नंबर, बट रेंज क्या आएगी इसकी, 0 से 1 के बीच में, 1 भी नहीं आएगा, 1 भी इंक्लूड नहीं होगा, 0 इंक्लूड हो जाएगा लेकिन 1 इंक्लूड नहीं होगा, 1 से कम ही वैल्यू होगी और पॉजिटिव वैल्यू भी आएगी। तो ये हुआ। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो f0 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या फॉर्म है, f0 फ्रैक्शन पार्ट में है तो हम इसकी फॉर्म देखकर अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये f0 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f0, f0 का हमारे पास वैल्यू कितनी थी, माइनस का 2.5 माइनस, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमारे पास वैल्यू कितनी थी, माइनस 3 थी। तो ये टर्म जब आएगी हमारे पास माइनस 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर से कितनी आएगी, f0 की वैल्यू हमने की थी माइनस 3, तो माइनस माइनस कितना आ जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो 3 माइनस 2.5 कितना आ रहा है, 0.5, जबकि यहाँ कितना दे रखा है, माइनस का 0.5। तो ये आंसर भी हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा। लास्ट ऑप्शन जो है ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फॉर्म है, और ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f0, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f0 इनटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ f0,
की वैल्यू हम चेक कर रहे हैं, तो ग्रेटेस्ट डिविजर ऑफ एक्स क्यूब की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, -3 इनटू फ्रैक्शनल पार्ट भी हम निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 0.5। तो इसको जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना आ रहा आंसर, माइनस का 1.5। तो डी ऑप्शन ही हमारा क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें किसकी जरूरत पड़ी हमें, ग्रेटेस्ट डिविजर ऑफ फंक्शन की और फ्रैक्शनल पार्ट की, ये आपका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ f x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, एंड g x, ये g x फंक्शन है, क्या है 0 व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x स्क्वायर व्हेन x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब एनी रियल वैल्यूज बट नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, देन ये फोर ऑप्शन है, कौन से कंसीडर हो गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला है, कि लेट सॉरी लिमिट x tends to 1 gx exists but not continuous at x equal to 1, fx is not continuous at x equal to 1, log of x is continuous for all x and log of x is continuous for all x। तो क्या देख रहे हैं इसमें, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, तो फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, लिमिट x tends to 1 gx exists to 1, मतलब इंटीजर वैल्यू पे क्या आ रहा आंसर 0, तो एग्जिस्ट कर रही है बट नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। जैसे 1 से अबव और 1 से बिलो देख रहे हैं तो कौन सा कंसीडर हो रहा है, x स्क्वायर। तो इस पे कंडीशन क्या आ जाएगी हमारे पास, कि लिमिट x टेंड्स टू 1 पे जब हम देख रहे हैं gx फंक्शन में, तो क्या दे रहा है हमको, 0 आंसर दे रहा है कोई भी इंटीजर वैल्यू पे, जबकि आ रहा है x टेंड्स टू इंटीजर। अब 1 प्लस h या 1 माइनस h, हम देख रहे हैं लिमिट x tends to 1 minus gx देख लेते हैं, या फिर लिमिट x tends to 1 plus gx देख लेते हैं, राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट, वो किस पे जा रही है, इस पे जा रही है, तो कंडीशन क्या आ जाएगी, इस पे जब पुट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो क्या आ रहा है इसमें, कि gx एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन क्या है, नॉट कंटीन्यूअस एट x equal to 1 पे, तो ए ऑप्शन तो हमारा क्लियर हो गया। ये तो क्या आ रहा है, कि gx एग्जिस्ट कर रहा है और कंटीन्यूअस भी क्या है, नहीं है एट x इक्वल टू 1 पे। नेक्स्ट है हमारे पास fx इज नॉट कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो fx फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, डिसकंटीन्यूअस होता है एवरी इंटीग्रल पॉइंट। तो ये तो ऑलरेडी हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्लियर है कि fx इज नॉट कंटीन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, तो x इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, ये डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा, ये भी क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारे पास इन दो में हमको देखना है कि गॉफ ऑफ एक्स इज कंटीन्यूअस फॉर ऑल एक्स, तो गॉफ ऑफ एक्स को हम कैसे लिखेंगे, इस टाइप से लिख सकते हैं कि जी ऑफ, ये कंपोजिट फंक्शन वाला हो गया हमारे पास, जी ऑफ एफ एक्स, तो क्या कंडीशन बनेगी, जी ऑफ एफ एक्स के अकॉर्डिंग आंसर एक तो क्या हो गया 0 व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, और जब g ऑफ f(x) के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर व्हेन x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, ये कंडीशन है। तो cos ऑफ x जब जैसे हम दे रहे हैं कि x बिलोंग्स टू, हम किस पे चेक कर रहे हैं, x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो g ऑफ f(x) हमको क्या देगा, 0 देगा, ये कंडीशन देगा। और जब x बिलोंग नहीं कर रहा है इंटीजर को, तो g ऑफ fx क्या देगा हमें, क्या फॉर्म देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देता है, इंटीजर वैल्यू। तो इंटीजर वैल्यू gx फंक्शन के अंदर, इंटीजर वैल्यू gx फंक्शन के अंदर क्या देगी, 0 देगी, तो ये भी हमें आंसर क्या देगा, 0 देगा। ये हुआ कि x बिलोंग्स टू इंटीजर, गॉफ ऑफ x का दे रहा है 0 दे रहा है, जब x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर तब भी क्या आंसर दे रहा है, 0 दे रहा है, रियल वैल्यू से भी क्या दे रहा है, ये 0 ही दे रहा है, मतलब कि आप कोई सी वैल्यू पुट करो, कोई सी वैल्यू पुट करो तो g ऑफ fx हमें क्या देगा, 0 देगा, g ऑफ fx क्या देगा हमें, 0 देगा, मतलब आप अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग चेक करते हैं तो वो क्या देगा, आप कुछ वैल्यू पुट करो वो आपको नंबर लाइन पे ही देगा, उसकी वैल्यूज क्या देगा, नंबर लाइन पे ही देगा। आप अगर इंटीजर वैल्यू पुट करते हो तो भी 0 दे रहा है, और आप कोई सी वैल्यू पुट कर रहे हो तो भी आंसर क्या दे रहा है, 0 ही दे रहा है। इस एक
एग्जांपल लेके हम देखते हैं, जैसे कि हमने लिया लेट x equal to 1, x equal to 1 पे बात कर रहे हैं, तो f 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, या फिर हम से बात कर रहे हैं g of fx की बात कर रहे हैं, तो f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां जब हम पुट करेंगे डेटा सीरीज फॉर्म में क्या आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा। और अब बात हो रही है g of fx, मतलब ये g of f1 की वैल्यू, तो g of f1, f1 कितना था 1 था, तो ये कितना हो जाएगा g1, मतलब gx फंक्शन के अंदर 1 क्या है इंटीजर वैल्यू है, तो 1 जब इंटीजर वैल्यू पुट करोगे कौन सा फंक्शन कंसीडर होगा ऊपर वाला x belongs to integer, क्योंकि 1 क्या है इंटीजर है, तो जब आप 1 पुट करोगे आंसर क्या दे रहा है 0, तो ये आंसर कितना आ गया 0 हो गया। अब कुछ और कंसीडर कर लेते हैं हम, कि यहां पे हम आंसर कर रहे हैं लेट x equal to एक डेसिमल वैल्यू लेते हैं 1.7, तो 1.7 से हम पुट कर रहे हैं फंक्शन के अंदर fx के अंदर fx f 1.7 की जब बात हो रही है तो कितना देगा रेट इज इंटीजर ऑफ 1.7। अब रेट की fx फंक्शन क्या था रेट इज इंटीजर फंक्शन था, तो f 1.7 जब हमने पुट किया अब ये रेट इज इंटीजर फंक्शन में आ गया, तो 1.7 रेट इज इंटीजर से जब ये बाहर आएगा तो हमसे कितना देगा 1 देगा, मतलब कि g ऑफ f 1.7 की वैल्यू हमें क्या देगी, तो सबसे पहले था 1.7 की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1 आई, वापस g x फंक्शन में देखेंगे तो g x फंक्शन में x क्या दे रखा है इंटीजर वैल्यू 1, और 1 पे इंटीजर वैल्यू का आंसर क्या देगा 0। तो ये हुआ कि आप इंटीजर वैल्यू ले लें तो भी आंसर क्या दे रहा है 0 दे रहा है, और आप डेसिमल वैल्यू रियल वैल्यू ले लें कुछ भी तो भी आंसर क्या दे रहा है 0 दे रहा है। तो हर एक वैल्यूज पे, मतलब डोमेन हम देखें तो हर एक x वैल्यूज पे एवरी रियल नंबर पे आंसर क्या देगा log of x, वो आंसर क्या देगा 0 ही देगा, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन आ गई है, हमेशा क्या होगा नहीं देगा कहीं जंप करेगी ना, तो ये फंक्शन क्या हो गया कंटीन्यूअस हो गया, मतलब हमेशा वैल्यू क्या दे रहा है एक ही वैल्यू दे रहा है 0, चाहे आप कुछ भी पुट करें और कंटीन्यूअस चले जा रही है नंबर लाइन पे तो वो क्या हो गया कंटीन्यूअस हो गया। तो log of x हमारा क्लियर हुआ जो ये क्या हो गया कंटीन्यूअस हो गया। ऐसे ही हम क्लियर करते हैं इसको g of cot of x को देखते हैं, तो log of x के लिए क्या करना होगा चेक करते हैं इसको f of gx लिखना पड़ेगा, और ये फंक्शन क्या देगा भाई जब x belongs to integer ले रहे हैं तो आंसर क्या दे रहा है 0, और जब f of gx फंक्शन ले रहे हैं मतलब gx फंक्शन इसमें जा रहा है तो क्या लिख रहे हैं हम इसको x square लिख रहे हैं when x not belongs to integer, ठीक है। तो अब ये भी चलो हम एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं, ऐसे आपसे क्लियर नहीं होगा कि f of gx क्या दे रहा है 0 दे रहा है when x belongs to integer, और x square greatest integer of x square ये कब दे रहा है when x not belongs to integer। जैसे हमने ये एग्जांपल कंसीडर किए थे, ये इसमें कंसीडर कर लेते हैं कि जब x equal to 1 हम पुट कर रहे हैं क्या लिया x equal to 1, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा g1 निकालना पड़ेगा क्योंकि f of gx है, तो g1 यहां देखें तो x की वैल्यू 1 पुट करी तो x किसको बिलोंग कर रहा है इंटीजर को, तो g1 की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, g1 की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, और हमको निकालना क्या है f of gx, तो f of g1 तो g1 की वैल्यू कितनी 0 थी, तो क्या हो जाएगा f0 फंक्शन fx क्या था greatest integer of x, तो इसमें जब हम पुट कर रहे हैं तो आंसर क्या दे रहा है 0, और इसके अकॉर्डिंग जीरो आंसर दिया। और अगर ये कंसीडर कर रहे हैं हम लेट x equal to 1.7, तो g ऑफ 1.7 की वैल्यू क्या होगी वो कहां जाएगा, ये क्या हो गया रियल नंबर बट नॉट इंटीजर, ये वाला कंसीडर हो गया, तो 1.7 इसमें पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1.7 का स्क्वायर जो कितना होता है 2.89,
तो अब ये g ऑफ 1.7 देखा था, तो इसमें क्या x स्क्वायर वाले फॉर्म में, क्योंकि था x belongs to real number but not integer, पर हमको चेक करना है f ऑफ g 1.7, f g 1.7 का मतलब क्या आया 2.89, g 1.7 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 2.89, तो फंक्शन क्या था, fx क्या था, greatest integer of x, तो जब ये greatest integer में हम पुट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 2.89, greatest integer वैल्यू क्या है इसकी 2i, तो इसका मतलब integer वैल्यू पे आंसर ये दे रहा है और greatest integer वैल्यू पे कितनी दे रहा है और real वैल्यू पे कितनी दे रहा है 2 दे रहा है, तो ग्राफ चेंज हो रहा है मतलब जंप कर रहा है, तो इसको ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें हम कैसे बन रहा है, ये आपका 0 था, तो 0 से 1 के बीच में जब आप जा रहे हैं, 0 से 1 के बीच में जब आप जा रहे हैं तो कितना आंसर देगा वो 0 ही देगा, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग 0 से 1 के बीच में जब आप चल रहे हैं, 0 से 1 के बीच में आप चल रहे हैं तो आंसर क्या देगा 0 देगा, 1 इंक्लूड नहीं है, और 1 से अब ये फॉर्म क्या चल रही है यहां पर x स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहां पर है x स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो स्क्वायरिंग फॉर्म के अकॉर्डिंग आपका आना चाहिए यहां पर 2, लेकिन 2 कब बनेगा, x में ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं जिससे क्या बन जाए, हमको इंटीजर वैल्यू की चाहिए, हमको क्या चाहिए x स्क्वायर वाली कंडीशन कब थी कि नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, तो x की ऐसी कौन सी रियल वैल्यू पुट करें जिसको सॉल्व करने पे ये अंदर क्या बन जाए इंटीजर वैल्यू, तो क्या बनना चाहिए ये √2, क्योंकि फॉर्म क्या चल रही है स्क्वायरिंग वाली चल, तो 1 से √2 के बीच में जब भी आप पुट करोगे तो आंसर क्या देगा 1 देगा, तो ये फॉर्म क्या चल रही है √2, अब आना चाहिए था 3, लेकिन क्या स्क्वायरिंग फॉर्म है क्या लिखेंगे हम √3, तो √2 से √3 के बीच में जब भी आप पुट कर रहे तो आंसर क्या दे रहा है वो 2 दे रहा है, सेम √4 की जब आप बात कर रहे हैं √4 मतलब कि 2, √3 से 2 के बीच में जब आप जा रहे हैं तो क्या आंसर दे रहा है वो 3 वैल्यू, क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट, इसके अकॉर्डिंग क्या जा रहा है कि cos ऑफ x जो कि कंटीन्यूअस नहीं होगा फॉर ऑल x के लिए, तो ये फंक्शन क्या हो गया हमारा डिसकंटीन्यूअस हो गया, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है ये चेंज होने जा रहा है, तो यहां 0 से 1 के बीच में हुआ, 1 से √2 पे ये ग्राफ जा रहा है कि √2 से √3 पे ग्राफ चेंज हो रहा है, तो हर एक वैल्यू पे ये फंक्शन क्या हो रहा है कंटीन्यूअस नहीं हो रहा, इसकी क्या हो गया डिसकंटीन्यूअस हो गया, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन कौन से ऑप्शन है ए बी और सी, तो मेन जो थे इसमें cos ऑफ x और cos ऑफ x जो कि कंपोजिट फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया।